ये दोस्तों, तो आज मैं फिर आपके समक्ष कुछ जानकारियां लेकर आया हूं। वो कितनी महत्वपूर्ण है आप खुद देखेंगे, आप खुद फैसला करेंगे। तो आज हम इस विषय पर बताने जा रहे हैं कि होम्योपैथी और एलोपैथी क्या इस्तेमाल किया एक साथ किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, किया जा रहा है, और किया जा रहा है तो ये कितना उचित और कितना अनुचित है। मज़े की बात आपको बता दें कि ये सवाल आज का है ही नहीं, ये सवाल हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर हनीमन साहब के ज़माने में ही पैदा हो गया और बकायदे इसके जवाब में उन्होंने होम्योपैथिक विधान का, होम्योपैथिक भवसागर पार करने के लिए जो उन्होंने ऑर्गेनन नाम की पुस्तक लिखी है, जो ऑर्गेनन नाम की जहाज है, नाव है, जिसके बगैर होम्योपैथ के भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है, उसमें बकायदे उन्होंने ऑर्गेनन में एफरिज्म 52 मतलब 52 सूत्र ऑर्गेनन का उन्होंने ईजाद किया और उसमें स्पष्टतः उन्होंने बताया है कि दो ही विधा, चिकित्सा प्रणाली की दो ही विधा है। एक विधा जो है होम्योपैथी है, जिसे सदृश चिकित्सा विधा कहते हैं, जिसके अंदर नेचुरल स्टडी माने प्राकृतिक अध्ययन, सावधानी पूर्वक परीक्षा मतलब निरीक्षण, विशुद्ध अनुभव के आधार पर किया जाता है। सदृश विधान में क्या है, नेचुरल स्टडी, जो हमारा प्रकृति का जो सिस्टम है, प्राकृतिक सिस्टम, उसका अध्ययन केयरफुली टेस्ट, सावधानी पूर्वक जांच, विशुद्ध अनुभव के आधार पर किया जाता है, इसे हम सदृश विधान कहते हैं, इसे हम होम्योपैथी कहते हैं। दूसरी विधा हेट्रोपैथिक, एलोपैथिक, बिल्कुल विपरीत चिकित्सा विधान है। उसमें एक्सपीरियंस के बगैर किया जाता है, ऐसा तो नहीं किया जा कहा जा सकता, पर उसमें सेल्फ एक्सपीरियंस गौण हो जाता है और मशीनी भाषा उसमें हावी रहती है। इसलिए कभी कभी चिकित्सक की अभिव्यक्ति और वो मशीनी अभिव्यक्ति में मैन्यूट डिफरेंस होता है, वो मैन्यूट डिफरेंस चिकित्सक द्वारा भूल या गलती करवाता है। बहरहाल हम विषय की ओर लौटते हैं। दोनों पैथी के कार्य करने के बिल्कुल तरीके मेल नहीं खाते। होम्योपैथी सेंट्रीफ्यूगल वे में काम करती है, जबकि एलोपैथी सेंट्रीपिटल वे में काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब हुआ केंद्र से बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अंदर से बाहर की तरफ,
मतलब होम्योपैथी हमारी इम्यून सिस्टम को ऐसे जगाती है कि अंदर कोई भी अवांछित चीज नहीं रहे। एलोपैथी सेंटीपिटल मतलब ऊपर से दमन करती है, और अगर किसी कोने में दमन करने में वो सफल नहीं हुई तो वहाँ रोग पनपते रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें लागू होती हैं क्रॉनिक बीमारियों में। बीमारियाँ दो तरह की होती हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, क्रॉनिक डिजीज एक्यूट डिजीज। क्रॉनिक डिजीज में कभी कहीं किसी एलोपैथी औषधि का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल रोगी को स्वस्थ नहीं कर पा सकते हैं। क्योंकि दोनों विधाओं के जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल मेल नहीं खाती। हाँ, कुछ एक्यूट कंडीशन में जरूर हमको अलायंस करना चाहिए, इसमें कठमुल्लावादी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाए, किसी कारणवश शरीर में पानी की बहुत मात्रा कम हो जाए, उस कंडीशन में भी अगर क्लासिकल चिकित्सक है तो उस कंडीशन में भी सिर्फ औषधि के बल पर लौटा सकता है पेशेंट को। लेकिन ऐसे क्लासिकल पेशेंट चिकित्सक कितने बचेंगे देश में? 1% भी नहीं। और हमको सेवा कितनी जनता का करना है, बचाना कितनी जनता को है? तो इस हिसाब से हम यहाँ अलायंस कर सकते हैं। किस कंडीशन में? डिहाइड्रेशन के कंडीशन में सलाइन करवा सकते हैं, पानी चढ़वा सकते हैं, और मूल रूप से उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। कुछ क्षण बाद सलाइन को रोककर फिर सिम्टम के अनुसार इलाज करके रोगी को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। एक्सीडेंटल केस में कहीं मेजर कटिंग हो जाए जिससे खून बहुत बहने लगे तो तुरंत उसको बैंडेज पट्टी कराना, या उस संदर्भ में वो चिकित्सक जो भी दवा दारू इंजेक्शन करते हैं उसको कराना, और बाद में होम्योपैथी की तरह लौट आना श्रेयस्कर है। कई बार प्रयोग में देखा गया है कि कटिंग या फ्रैक्चर के केस में फर्स्ट एड करने के बाद, टांका देने के बाद, प्लास्टर करने के बाद, एलोपैथिक दवा खाने के बाद 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन के बाद भी वो अपने पूर्वावस्था में नहीं आ पाता है पेशेंट। जबकि ऐसा करने के तुरंत बाद यदि होम्योपैथी के औषधियों का सेवन किया जाता है तो वो 20 से 45 दिन के अंदर फ्रैक्चर की स्थिति में वो अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। कई बार हमने देखा है कि 45 दिन के लिए जो प्लास्टर किया गया वो 25, 22, 30 दिन में ही काट दिया गया और वो पूर्णतः स्वस्थ रहा। घाव और कटिंग के कंडीशन में तो बहुत जल्दी रिकवरी होती है होम्योपैथिक दवा लेने पर, और प्रत्याशित महीनों झेलने वाले, ड्रेसिंग करने वाले, चीर फाड़ बार बार करते रहने वाले कंडीशन में बहुत कुछ दिनों और कुछ हफ्तों में होम्योपैथिक औषधियों का सेवन करने से रिकवरी होता है। बड़े बड़े घावों में शुरुआती दौर में चीर फाड़ के कंडीशन में कुछ एक आध दिन एलोपैथिक दवा का सेवन हो सकता है,
लेकिन बाद में होम्योपैथिक दवा का सेवन करने से वो घाव जल्दी भर जाता है। और होम्योपैथिक दवा सेवन करते समय एक चीज जरूर ध्यान रखें कि कभी भी जख्म के अंदर, घाव के अंदर बाती न डालें, उसको ब्लक न करें, जाम न करें। जो एलोपैथी के एक पद्धति है, एलोपैथी के चिकित्सक ड्रेसिंग करते हैं, उसमें बाती पहना देते हैं, फिर दो दिन बाद ड्रेसिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना है। और बिल्कुल भी नहीं डरना है, उस घाव को खुला छोड़ें। अंदर से खुद होम्योपैथिक दवा का अगर सही सिलेक्शन हुआ है तो अंदर से घाव बहुत जल्दी भरता है। तो हम देखें, बड़े स्पष्ट रूप से मैंने बताया कि क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक का मतलब हुआ जीर्णावस्था को प्राप्त रोगी जो है उसे क्रॉनिक रोगी कहा जाता है। जीर्णावस्था मतलब कोई भी बीमारी लंबे समय से शरीर के अंदर रहते विद्यमान रहने से शरीर के जीवनी शक्ति को काफ़ी कमज़ोर बना देती है, और तब हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम सुचारू रूप से काम नहीं करता और स्वास्थ्य काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। कोई भी चीज़ न ठीक से पचती है, न ठीक से ऊर्जा में बदलती है, और इस तरह से शरीर के अंदर कई आवश्यक सीरम, रस या ब्लड, पित्त सारी चीज़ों की कमी होने लगती है, और रोगी दिनों दिन कमज़ोर कृशकाय होते जाता है। ऐसे रोगी को जीर्ण रोगी कहा जाता है, और ऐसे रोगियों का इलाज करते समय चिकित्सक को एलोपैथी और होम्योपैथी साथ साथ चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे केस हैं, क्योंकि एलोपैथी लोगों के दिमाग पर बैठी हुई है, इसलिए उसको छोड़ना उतना ही कठिन है जितना किसी शराबी को शराब छोड़ना। कुछ जब तक अप्रत्याशित घटना नहीं देखेंगे, जब तक अद्भुत तरह से चमत्कार नहीं देखेंगे, तब तक उनको ये भय सताता रहेगा कि हम एलोपैथी छोड़ें कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में कुछ बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जिसका लंबे काल से दवाई खाते आ रहा है रोगी, और वो छोड़ने में डरता है। ऐसे कंडीशन में होम्योपैथिक चिकित्सक को बड़ी कुशलता से कुछ काल तक ये दवाएं साथ साथ चलवाना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि वो अपने कौशल, अपने कला से उनके अंदर होम्योपैथी के प्रति विश्वास पैदा कर दे। और ये विश्वास पैदा तभी होगा, केवल प्रवचन से नहीं होगा, जब सटीक औषधियों का इस्तेमाल करेंगे, पेशेंट को लाभ पहुंचेगा, उसको खुद विश्वास होगा, और खुद वो एलोपैथी की दवा छोड़ देगा। क्योंकि एलोपैथी दवा कोई भी आज के डेट में शौक से नहीं खा रहा है, डर से और मजबूरी में खा रहा है। और आज का लेक्चर यहाँ इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।